कल दिनों से जारी भारी वर्षा तथा बुधवार को हुई अतिवृष्टि के बाद गुरुवार को बारिश थम गई, जिससे नागरिकों ने थोड़ी राहत महसूस की है। वर्तमान में जिले के नदियों नालों में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में होने की जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग ने दी है। इसी बीच नागपुर के मौसम विभाग ने गुरुवार को गढ़चिरौली जिले में अतिवृष्टि की चेतावनी दी है। भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार और शनिवार को जिले में रेड अलर्ट जारी कर सभी नागरिकों को सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग को आगामी दो दिनों तक जिले के सभी शाला और महाविद्यालयों को बंद रखने संबंधी सूचनाएं दी है। उल्लेखनीय है कि जिले में पिछले 5 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू है। इस बीच बुधवार को जिले में अतिवृष्टि हुई, जिससे जिले में पर्लकोटा, पांडे और इंद्रावती में बाढ़ आई। इसके अलावा क्षेत्र के छोटी बड़ी नदियां और दर्जनों नाले उफान पर बह रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को बारिश के थमने पर उफान पर बह रहे तहसील के दर्जनों नालों का जलस्तर कम हो गया है। वहीं पर्लकोटा नदी के पुल से पानी उतरने के कारण भामरागढ़ आलापल्ली महामार्ग की यातायात पूर्ववत आरंभ हो गई है, तो वहीं 200 गांव का संपर्क टूटा। बारिश थमी जरूर है, लेकिन संकट अब भी बरकरार है। शुक्रवार को जो स्थिति थी वही शनिवार को भी रही।